हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों द्वारा आज भारत बंद पर बोलते हुए कहा कि शांतिपूर्वक आंदोलन करना हर नागरिक का अधिकार है और इससे हम सहमत हैं। साथ ही विज ने कहा कि प्रदेश भर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखेंगे, किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। ये बात उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होने के दौरान कही। वहीं राहुल गांधी के ट्वीट पर गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी परिवार का एक ही काम है, देश की शांति को भंग करना। वहीं उन्होंने कहा कि एक फायर ब्रिगेड आग बुझाने वाली होती है, मगर राहुल गांधी वह फायर ब्रिगेड हैं जो आग लगाते हैं। वहीं राहुल के बेरोजगारी वाले ट्वीट पर विज ने कहा कि राहुल गांधी ना तो अर्थशास्त्री हैं और ना ही उन्हें ज्ञान है। कोरोना से सारा विश्व प्रभावित है और अर्थव्यवस्था को इससे असर पहुंचा है। सरकार की नीतियां कारगर रही हैं और सरकार ने बड़े बड़े पैकेज दिए। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखेंगे, कहीं पर भी किसी को कानून अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। नहीं, राहुल गांधी परिवार का तो आज एक ही काम है कि देश की शांति को भंग करना। एक फायर ब्रिगेड होती है आग बुझाने वाली, ये फायर ब्रिगेड है आग लगाने वाली, ये यही काम करते हैं। इनको तो मौका मिलना चाहिए, चाहे वो किसी प्रदेश में हो, कहीं पर हो, तो ये उसी वक्त एक्टिव हो जाते हैं। राहुल गांधी कोई अर्थशास्त्री तो है नहीं और ना उसको ज्ञान है इस बात का। कोरोना से सारा विश्व प्रभावित है और सारे विश्व में अर्थव्यवस्था को इससे असर पहुंचा है। सरकार की नीतियां कारगर रही हैं, सरकार ने बड़े बड़े पैकेज दिए हैं ये उस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।